Hello 9th class students, this is your English teacher welcoming you to your online classes. So today we will read our second chapter of the book Movements and the chapter's name is The Adventures of Toto. यहाँ पर जो टोटो है वो एक मंकी का नाम है. ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा, जैसा इसका नाम है एडवेंचर्स, तो इसका मतलब हम बहुत ही ज्यादा ह्यूमरस वे में इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं. यहाँ पर हम चैप्टर के थीम के बारे में, जो कि ऑलरेडी बोर्ड पर लिखा हुआ है, दैट वी आर गोइंग टू रीड द थीम फर्स्ट, आफ्टर दैट वी विल रीड द टेक्स्ट ऑफ द चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द थीम. वी मस्ट लव एनिमल्स, हमें एनिमल्स को जरूर प्यार करना चाहिए क्योंकि वो इस लायक है. वो एनिमल्स ऐसे लिविंग बीइंग हैं जो कभी भी कंडीशंस पे प्यार नहीं करते. जैसा ह्यूमन होते हैं हमेशा मतलब के लिए, कई लोग होते हैं मतलब के लिए. यहाँ बच्चों की बात नहीं हो रही है, वो दिल के बहुत साफ होते हैं. यहाँ पर ह्यूमन मीन्स ग्रोन अप्स की बात हो रही है, जो मतलब के लिए बिना मतलब के काम नहीं करते हैं या मतलब के लिए ही लोगों से बात करते हैं. That is a wrong thing to do. लेकिन यहाँ पर हम animals की बात कर रहे हैं तो वो इतना unconditional love करते हैं कि वो अगर आप उनको एक बार डांट भी दोगे ना तो भी वो आपसे नाराज नहीं होंगे. It is better if we keep them as pet. और अच्छा रहेगा अगर आप किसी animal को एक pet के तरीके से, एक पालतू जानवर के तरीके से अपने घर में रखेंगे तो. आप में से कईयों के पास पेट होंगे भी, एंड आई एम श्योर आप में से ज्यादातर के पास डॉग या कैट ही मिलेंगे. बट सम एनिमल्स लाइक मंकीज, लेकिन कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो घर में रखने के लायक नहीं होते. लायक का मतलब ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा उछल कूद करने वाले, लेकिन मंकीज आप जानते हैं, मंकीज चाहे कहीं पे भी हो, चाहे घर में रहे, चाहे जंगलों में रहे, चाहे जू में रहे, मंकीज का नाम ही काफी होता है उनकी शैतानी को एक्सप्लेन करने के लिए. So, यहाँ पर बताया है कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जैसे मंकीज, कांट बी कैप्ट इन आवर होम्स, जिन्हें घर में नहीं रखा जा सकता पालतू जानवरों की तरीके से, बिकॉज ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि उनकी विशेषताएं ही इतनी अच्छी होती हैं. वो इतने ज्यादा मिस्चीवियस होते हैं, इतने ज्यादा शरारती होते हैं कि वो घर में ना तो खुद टिक सकते हैं शांति से, ना किसी और को टिकने दे सकते हैं. तो चलिए अब हम चैप्टर के मेन पॉइंट्स के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं, और इसके बाद हम चैप्टर का टेक्स्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स गो थ्रू द मेन पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके तीन पॉइंट्स लिखे गए हैं बोर्ड पे, ये बताने के लिए कि आज हम जो टेक्स्ट पढ़ने वाले हैं उसे हम किस तरीके से समझेंगे. आवर फर्स्ट पॉइंट इज टू गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रैंडफादर, ग्रैंडपा. सेकेंड पॉइंट इज ग्रैंडफादर्स एंड टोटोज मीटिंग. सेकेंड पॉइंट हमारा ये है कि ग्रैंडफादर और टोटो की मीटिंग किस तरीके से होती है, किस तरीके से ग्रैंडफादर और टोटो मिलते हैं. एंड थर्ड पॉइंट इज द जर्नी टू सहारनपुर. अब जब टोटो और ग्रैंडफादर मिल चुके हैं तो कुछ एडवेंचरस ही होने वाला था, कुछ नया, कुछ ह्यूमरस, कुछ एडवेंचरस होने वाला था. तो ये थर्ड पॉइंट उसी के लिए है कि सहारनपुर में उनकी जर्नी कैसी रहती है, मतलब जब वो देहरादून के रहने वाले हैं दादाजी, जब देहरादून से सहारनपुर के लिए जाते हैं तो उस टाइम पर उनकी जर्नी कैसी रहती है. फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं वापस. मैंने तीनों पॉइंट्स आपको समझा दिए हैं. फर्स्ट है दादाजी का इंट्रोडक्शन देते हुए, जो नरेटर है, जो राइटर है स्टोरी का, वो कहता है कि मेरे दादाजी को जानवरों से बहुत प्यार है, उन्हें इतना ज्यादा लगाव है जानवरों से कि उन्हें जो भी जानवर अच्छा लगता है, मतलब शेर चीते नहीं, लेकिन जो भी जानवर जिसे घर में रखा जा सकता है और जिनसे उन्हें लगे देख के कि ये बेचारा है, इसका क्या होगा, ऐसे खुला छोड़ दिया जाएगा, तो वो हमारे घर का नया मेंबर बन जाता है. अब उनके पास पेट कौन कौन से हैं, जैसे खरगोश हो गया, बकरी हो गई, एक गधा भी है, तो ये उनके पेट हैं. ऐसे ही जो टोटो है, जो मंकी है, वो भी उनके घर का पेट बनने जा रहा है. सेकेंड पॉइंट, दादाजी और टोटो की मीटिंग. सबसे पहले टोटो को दादाजी ने एक तांगा चलाने वाले के पास देखा था. तांगा चलाने वाला मतलब घोड़ा गाड़ी चलाने वाला आदमी, ठीक है. जो गांव है या पुरानी जो मूवीज होती है ना, उसमें तांगा वाले मिल जाएंगे. सो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि टोंगा ड्राइवर, जिसे हिंदी में तांगा चलाने वाला कहते हैं, कि वो तांगा चलाने वाले के पास टोटो किस तरीके से था. तो टोटो को तांगा चलाने वाले ने एक रस्सी से बांधा हुआ था,
जब दादाजी तांगा चलाने वाले की उस गाड़ी में सैर कर रहे थे, घूम रहे थे, तो उस टाइम पर उन्होंने टोटो को देखा और टोटो को देखकर उन्हें इतना बुरा लगा कि इस बेचारे जानवर को कैसे बांध कर रखा हुआ है। इसलिए उन्होंने क्या किया, टोटो को वहां से छुड़वा लिया। अब जब तरस आ गया तो आप समझ सकते हैं कि तरस आने के बाद वो हमारे फैमिली का मेंबर तो बनना है ही। इस तरीके से दादाजी और टोटो की पहली मीटिंग हुई थी और इसी तरीके से उनकी अब आगे की शुरुआत करते हैं कि जब वो हमारे घर में आ जाता है तो क्या होता है। पता चलेगा ये टेक्स्ट में पढ़ने के बाद कि घर में आने के बाद उसका बिहेवियर कैसा है। वो बहुत शांत सा रहता है, मतलब बहुत ही ज्यादा पोलाइट है, डोसाइल है, या फिर बहुत ज्यादा शरारती है, मतलब मिस्चीवियस है। थर्ड पॉइंट, जब दादाजी किसी काम से देहरादून से सहारनपुर जा रहे होते हैं तो अब टोटो को वो अपने साथ लेकर जाते हैं और इस सैर मतलब इस जर्नी में टोटो कितना रिएक्ट करता है, कैसे ट्रीट करता है दादाजी के साथ भी और कितना आराम से उनके साथ जाता है या नहीं भी जाता, ये हम अपने टेक्स्ट के अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए इन तीन पॉइंट्स को अब हम टेक्स्चुअल पढ़ने की हमारी बारी आ चुकी है। लेट्स स्टार्ट रीडिंग द टेक्स्ट नाउ। Have you ever had a baby monkey as a pet? क्या कभी आपके पास कोई छोटा बंदर एक पालतू जानवर के तरीके से रहा है? Toto is a baby monkey. Toto एक छोटा बंदर का बच्चा है। चलिए ढूंढते हैं कि वो mischievous मतलब naughty है या docile मतलब शांत है। Grandfather bought Toto from a tonga driver for the sum of 5 rupees. दादाजी ने टोटो को एक तांगा चलाने वाले ड्राइवर से खरीदा था 5 रुपए में। The tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough. Tonga driver हमेशा उस little red monkey को, छोटे से लाल बंदर को, एक खाने से feeding trough, एक तरीके का थैला होता है जिसमें चारा खिलाया जाता है horses को, तो feeding trough उस रस्सी से हमेशा वो उसे बांध कर रखता था। And the monkey looked so out of place there. और जो मंदिर था वहाँ पर वो इतना ज़्यादा ख़राब दिखता था, मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था वहाँ बैठा हुआ। उसे देखकर ग्रैंडफादर ने डिसाइड कर लिया कि वो इस छोटे से जानवर को अपने प्राइवेट जू में ऐड करेंगे। टोटो वॉज अ प्रेटी मंकी। टोटो एक बहुत ही सुंदर बंदर था। हिज ब्राइट आईज स्पार्कल विद मिस्चीफ। उसकी आंखें चमकीली थी और किससे चमकती थी, शैतानी से। बीनीथ डीप सेट आईब्रोज, उसकी बड़ी बड़ी आईब्रोज के नीचे उसकी जो आंखें थी वो बहुत ज़्यादा शरारतों भरी थी। एंड हिज टीथ, उसके दांत, विच वर अ प्योरली वाइट, जो बिल्कुल मोती की तरह सफ़ेद थे, वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल, जब स्माइल करते थे तो ऐसे दिखते थे दैट फ्राइटन द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज, कि किसी भी बूढ़ी औरत को डरा कर रखते। बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप, लेकिन उसके हाथ बहुत सूखे हुए दिखते थे, एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स, जैसे किसी ने अचार सुखा के रखते हैं ना धूप में कई टाइम तक, ऐसे ही उसके हाथों को जैसे कई सालों से किसी ने धूप में सुखा रखा था। येट हैज फिंगर्स वर क्विक, लेकिन उसकी जो उंगलियाँ थी बहुत ही ज़्यादा चालाक, मतलब बहुत शरारतों भरी थी, बहुत जल्दी जल्दी शैतानी करने में माहिर थी। एंड हिज टेल, उसकी पूंछ, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, उसे और भी ज़्यादा सुंदर बनाती थी। ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक्स। ग्रैंडफादर का मानना था कि किसी भी जानवर की पूंछ उसे और भी सुंदर बनाती है। ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, लेकिन ये बंदर की, ये टोटो की जो पूंछ थी ये उसके तीसरे हाथ का काम करती थी शैतानी के टाइम पे। He could use it to hang from a branch. वो ब्रांच या टहनी से लटकने के लिए उसे यूज़ कर सकता था। And it was capable of scooping up any delicacy. किसी भी टेस्टी सी डिश को जल्दी से उठा लेती थी। That might be out of reach of his hands. जो उसके हाथों तक नहीं पहुँच सकता था ना सामान खाने पीने का, वो उसकी पूँछ उठा लेती थी। Grandmother always first when grandfather brought home some new bird or animal. दादी माँ बहुत गुस्से में भर जाती थी जब दादाजी जब भी कोई नया जानवर या कोई पक्षी लाया करते थे। So it was decided, तो ये decide किया गया कि टोटो की presence को secret ही रखा जाएगा। कब तक? जब तक कि दादी माँ अच्छे mood में नहीं आ जाती।
Grandfather and I put him away in a little closet. मैंने और दादाजी ने मेरे बेडरूम में बनी हुई छोटी अलमारी में उस बंदर को छुपा कर रख दिया. Where he was tied securely, उसे बहुत अच्छे से वहाँ बांधा गया. हमने ये सोचा कि जब हम वापस आएंगे तो उसे खोल देंगे. इतनी सी देरी में क्या शैतानी करेगा. और सो वी थॉट, जैसा हमने सोचा था कि हमने उसे अच्छे से बांध दिया कोई शैतानी ना हो, इसलिए हमने उसे दीवार के साथ बनी हुई एक कील से भी उसकी रस्सी को बांध दिया ताकि वो इधर उधर दरवाज़ा भी ना खोल पाए. अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, लेकिन थोड़े ही टाइम बाद जब दादाजी और मैं कमरे में टोटो को फ्री करने के लिए वापस आते हैं, वी फाउंड दैट द वॉल्स विच हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर, मैंने ये पाया कि जो दीवारें जिनके ऊपर बहुत सुंदर कागज़ का काम किया हुआ था, बहुत सुंदर पेपर लगाया हुआ था, दादाजी खुद उस पेपर को चुन कर लाए थे. Now stood out as naked brick and plaster. अब सिर्फ ईंट पत्थर की दीवार बनकर रह गई थी. The peg in the wall और दीवार में जो खूंटी लगी थी जिससे हमने उसकी रस्सी को बांधा था, had been wrenched from his sockets. उसकी सॉकेट से उसे खींच लिया, मतलब उसकी जगह से कील को ही निकाल लिया गया था. एंड माई स्कूल ब्लेजर, जो मेरा स्कूल का ब्लेजर था, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो वहाँ पर लटक रहा था, वॉज इन शेड्स, वो टुकड़ों में ही था. I wondered what grandmother would say. मैं सोचने लगा कि अब दादी माँ क्या कहेगी. But grandfather didn't worry. लेकिन दादाजी को तो चिंता ही नहीं थी. He seemed pleased with Toto's performance. उन्हें तो टोटो की एक हरकतें देखकर खुशी हो रही थी. He is clever. दादाजी कहते हैं कि वो बहुत चालाक है. Given time, अगर उसे और थोड़ा सा टाइम मिलता, I'm sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope. वो तुम्हारे ब्लेजर के फटे हुए टुकड़ों को, फटे हुए कपड़ों को एक रस्सी में बदल कर इस विंडो से बाहर कूद सकता था. His presence in the house still a secret. घर में उसकी प्रेजेंस को अभी भी सीक्रेट रखा गया था. Toto was now transferred to a big cage. अब टोटो को एक बड़े से पिंजरे में ट्रांसफ़र कर दिया गया और वो पिंजरा रखा गया सर्वेंट क्वार्टर में, जहाँ पर नौकर रहा करते थे. Where a number of grandfather's pets lived very sociably together. उस जगह पर दादाजी के कुछ पालतू जानवर भी अच्छे से इकट्ठे रहा करते थे. A tortoise, a pair of rabbit, a tame squirrel, एक पालतू गिलहरी, कछुआ, एक rabbit का pair, और थोड़े टाइम के लिए मेरी पालतू बकरी भी वहाँ रही थी. But the monkey wouldn't allow any of his companions to sleep at night. लेकिन बंदर इतना शैतान था कि वो अपने किसी भी साथी को रात में सोने के लिए तैयार ही नहीं होने देता था. मतलब इतना परेशान करता था कि सोने ही नहीं देता था. So grandfather who had to leave Dehradun next day, इसीलिए दादाजी को, जिन्हें अगले दिन देहरादून जाना था, अपनी नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर, उन्हें सहारनपुर से अपनी पेंशन लानी थी, उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो देहरादून छोड़कर सहारनपुर की तरफ जाएंगे और अपनी पेंशन लेकर आएंगे, और ये सारे काम वो करेंगे टोटो को साथ लेकर जाते हुए. Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip. दुर्भाग्यवश मैं दादाजी का साथ नहीं चल पाया उस ट्रिप पर. लेकिन उन्होंने मुझे बाद में बताया कि क्या हुआ उस ट्रिप पर. A big black canvas kit bag was provided for Toto. एक बड़ा सा बैग, कपड़े का बैग रखा गया, बहुत मजबूत बैग था जो टोटो के लिए तैयार किया गया. This With some straw at the bottom, नीचे नीचे ही उसके घास फूस लगाई गई, became his new abode, उसका रहने का नया घर बन गया. When the bag was closed, जब बैग को बंद किया जाता था, there was no escape, छुपने की कोई जगह नहीं थी, मतलब बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था. Toto could not get his hands through the opening. इस जगह में खुलने की जगह थी नहीं बैग में, तो वो अपने हाथ भी बाहर नहीं निकाल सकता था. And the canvas was too strong for him to bite his way through. और काट कर उस कपड़े को वो बाहर निकाल सके, इतना ज़्यादा मजबूत था कि वो इतना भी नहीं कर सकता था. His efforts to get out only had the effect of making the bag roll. अगर वो बाहर निकलना चाहता तो सिर्फ एक काम हो सकता था कि बैग अपने आप रोल करता हुआ जाता और फिर वो गिर जाता. और ओकेजनली जंप इन टू द एयर, या फिर वो पूरी ताकत लगाता हवा में उछलता. एन एग्जिबिशन, ताकि दूसरे लोगों से देखते, लोगों के लिए एक तमाशा बन सकता था. दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑन लुकर्स, इधर उधर देखने वाले लोगों की भीड़ वहाँ इकट्ठा हो जाती और देहरादून रेलवे स्टेशन पर ही तमाशा बन जाता.
टोटो रिमेंड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर. जब तक सहारनपुर आ नहीं गया टोटो उस बैग के अंदर ही रहा. बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्न स्टाइल, जब टिकट खिड़की पर पहुंचकर टिकट घर पहुंचकर वो अपने टिकट शो कर रहे थे, टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग. टोटो ने अचानक से अपना सर उस बैग से बाहर निकाला एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रिन, और अजीब तरीके से पूरे अपने दांतों को दिखाते हुए टिकट कलेक्टर की तरफ हंसा. द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैग. वो बेचारा इंसान जो अचानक से बैग में से ऐसी चीज़ को निकलता देखेगा कितना डर जाएगा. ऐसा ही उस टिकट कलेक्टर के साथ हुआ. बट विद द प्रेजेंस ऑफ माइंड, लेकिन अपने दिमाग को बहुत अच्छे से संभालते हुए, अपने माइंड का यूज़ करते हुए और ग्रैंडफादर को गुस्सा दिलाते हुए उसने कहा, सर यू हैव अ डॉग विद यू, आपने अपने पास कुत्ता रखा हुआ है, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, तो कुत्ते के हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे. In vain did grandfather take Toto out of the bag. अब गुस्से में दादाजी ने टोटो को बैग से बाहर निकाला. In vain did he try to prove, और गुस्से में ही प्रूव करने की कोशिश भी कर रहे थे कि एक मंकी को डॉग नहीं माना जा सकता. Even as a quadruped, ना ही उसे चार पैरों वाला माना जा सकता है. टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग, लेकिन फिर भी टोटो को टिकट कलेक्टर बार बार डॉग ही कहता जा रहा था. एंड 3 rupees वॉज द सम हैंडेड ओवर एज इज फेयर, और उसका किराया 3 rupees देना पड़ा दादाजी को. देन ग्रैंडफादर, अब दादाजी ने जस्ट टू गेट हिज ओन बैक, अपने खुद को ऊपर रखने के लिए, मतलब टिकट कलेक्टर को नीचा साबित करने के लिए, took from his pocket our pet tortoise, हमारा पालतू कछुआ दूसरे पॉकेट से निकाला और कहा, what must I pay for this, तो मुझे इसके लिए क्या पे करना पड़ेगा, क्योंकि आप तो सारे जानवर के लिए ही चार्ज करते हो. द टिकट कलेक्टर लुक क्लोजली एट द टॉर्टॉइस, टिकट कलेक्टर ने कछुए की तरफ बहुत ध्यान से देखा, प्रॉप्ड इट विद हिज फोर फिंगर, अपनी उंगलियों से अपनी आगे की, मतलब नखूनों के नीचे की जो उंगलियां हैं बस उनसे उसे दबाने की कोशिश की. गेव ग्रैंडफादर अ प्लीज्ड एंड ट्रम्फेट लुक, दादाजी की तरफ देख कर बहुत जीत वाली हंसी स्माइल देने की कोशिश की एंड सेड, नो चार्ज, इट इज नो अ डॉग, कोई चार्ज नहीं क्योंकि ये तो डॉग है ही नहीं. स्टोरी के तीनों पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे, किस तरीके से दादाजी का इंट्रोडक्शन कराया है नरेटर ने, किस तरीके से ग्रैंडफादर और टोटो मिलते हैं, और जब ग्रैंडफादर को टोटो पहली बार देखते हैं, ग्रैंडफादर टोटो को जब पहली बार देखते हैं तो उस टाइम पर वो उन्हें इतना ज्यादा इनोसेंट, इतना ज्यादा मासूम दिखाई देता है कि वो बिल्कुल एक ही बार में देखते ही उसे पसंद कर लेते हैं. और थर्ड, कि सहारनपुर जाते जाते कितना ज़्यादा प्रोटेक्शन के साथ, कितना ज़्यादा उसे अच्छे से सिक्योरिटी के साथ, अच्छे से एक बड़े से कैनवस बैग में बांध कर रखा जाता है. बांध कर रखने का मतलब उस कैनवस बैग को इतना ज़्यादा सिक्योर प्रोटेक्ट करवाया जाता है कि कुछ भी हो जाए टोटो यहाँ से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए. लेकिन फिर भी टोटो, अगर दादाजी मास्टर है तो टोटो उनसे बड़ा मास्टर है. अब टोटो ने क्या किया है कि उसने लास्ट टाइम पर भी जाते जाते टिकट कलेक्टर को अपना फेस दिखाकर डरा ही दिया है. और फाइनली कितने के लिए उसे, बल्कि अब पहले कम से कम मंकी तो कहा जा रहा था उसको, अब जब उसने ऐसी शैतानी दिखाई है तो उसे मंकी से भी डॉग पर लेकर आया गया है. सो चलिए आज के लिए इतना बहुत है. बाकी का बचा हुआ टेक्स्ट और बाकी के बचे हुए पॉइंट्स हम अपने कल की स्टोरी में डिस्कस करेंगे. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.